इन द सेकेंड वीडियो ऑफ द चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स हम लोग पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। ऐसे हम लोगों को पता है कि ट्रेपीजियम किस शेप को बोलते हैं, क्योंकि मेंसुरेशन चैप्टर में ऑलरेडी देख चुके हैं। वन साइड इज पैरेलल एंड वन अदर साइड इज नॉन पैरेलल, इसको ट्रेपीजियम बोलते हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है, दोनों साइड अपोजिट पेयर पैरेलल होता है और इक्वल होता है, एक ये प्रॉपर्टी होता है। दूसरा, अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, ये दूसरा प्रॉपर्टी है। सी प्रॉपर्टी वन, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। प्रॉपर्टी टू, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी, डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये एक डायगनल है और ये दूसरा डायगनल है। सो दिस इज ए बी सी डी और ये ओ है, तो इसका मतलब ओ ए इक्वल्स टू ओ सी और ओ बी इक्वल्स टू ओ डी। बाइसेक्ट का मतलब कि इक्वल हिस्सा में बट जाना, तो ओ ए और ओ सी इक्वल होगा, ओ डी और ओ बी इक्वल होगा, ये होता है बाइसेक्ट हो गया। तो तीन प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम का होता है, इसके बेसिस पे हम लोग पूरा वर्कशीट करेंगे। तो तीनों प्रॉपर्टी क्या था, ये थर्ड प्रॉपर्टी था डायगनल्स बाइसेक्ट हो रहा है, सेकंड प्रॉपर्टी था कि अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, और फर्स्ट प्रॉपर्टी था अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। ये 60 रहेगा तो ये भी 60 डिग्री होगा इस तरह से। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एमसीक्यू में आ भी सकता है, अ पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपीजियम बट अ ट्रेपीजियम निड नॉट बी अ पैरेललोग्राम। मतलब हम लोग इसको ट्रेपीजियम बोल सकते हैं, क्योंकि ट्रेपीजियम का कंडीशन क्या है कि एक साइड पैरेलल होना चाहिए, वो तो है, लेकिन इसको हम लोग पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग दोनों पेयर पैरेलल होना चाहिए, लेकिन इसमें सिर्फ एक पैरेलल है दूसरा नहीं। इसीलिए लिखा है कि अ पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपीजियम बट अ ट्रेपीजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। नाउ विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। सो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम लोगों का सिर्फ इतना सा कंसेप्ट सफिशिएंट नहीं है, बहुत सारा और भी कंसेप्ट आएगा पैरेलल लाइंस वगैरह का जो काम में आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू आर एस एक ट्रेपीजियम है। सो पी क्यू आर एस इज अ ट्रेपीजियम विथ पी क्यू पैरेलल टू एस आर, एंगल क्यू उसमें 50 डिग्री है और एंगल पी 30 डिग्री है। अब एंगल आर और एस निकालना है, तो ये एक रूल याद रहा होगा कि जब दो साइड पैरेलल होता है तो एक ट्रांसवर्सल के सेम साइड का एंगल्स का सम 180 होता है। तो इसका मतलब ये 30 है तो P प्लस R 180 होगा। तो इसमें रीजन कैसे लिखेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रेपीजियम ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, देयरफोर P प्लस R 180 होगा। तो यहाँ पर P के बदले 30 डिग्री प्लस R इक्वल्स टू 180, 30 उधर जाएगा तो एंगल R आ गया 150 डिग्री। अगेन उसी लॉजिक से Q प्लस S भी 180 होगा, तो Q प्लस S इक्वल्स टू 180। अब यहाँ से Q के बदले वैल्यू बैठाकर S का आंसर निकालेंगे। तो ये हम लोग पैरेलल लाइंस चैप्टर में सीखे थे जो अभी काम आ रहा है। सेकेंड क्वेश्चन इज, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलैटरल, एक क्वाड्रिलैटरल है, तो एक बार किसी भी शेप में ड्रॉ कर देते हैं। ए का 80 डिग्री, बी का मेजरमेंट 40 डिग्री, सी है 140 डिग्री और डी है 100 डिग्री। तो इज ए बी सी डी अ ट्रेपीजियम? ट्रेपीजियम के लिए क्या देखना होगा, देखो इन दोनों को ऐड करें तो 180 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करें तो भी 180 आ रहा है, इसका मतलब ए बी सी डी से पैरेलल है।
तो यहाँ, और जब एक साइड पैरेलल है तो ट्रेपीजियम होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखेंगे ए प्लस डी इक्वल्स टू 80 प्लस 100, 180 डिग्री, एंड बी प्लस सी इक्वल्स टू 140 प्लस 40, 180 डिग्री। सिंस दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, therefore AB is parallel to CD, thus ABCD is a trapezium. Second question है, क्या ABCD एक parallelogram है? Obviously not, क्योंकि दोनों opposite angles equal नहीं है। तो since angle A not equals to angle C and angle B not equals to D, therefore ABCD is not a parallelogram. इतना easy था identify करना। Coming to the third question, अब इस तरह का questions बहुत common है। One of the angles of parallelogram is 75 degree. तो let ABCD be a parallelogram. उसका एक angle 75 है, बचा हुआ सारा angle निकालना है। A 75 है तो C भी 75 होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता। तो लिखेंगे सिंस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी 75 डिग्री। नाउ ये पैटर्न प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा, ए प्लस डी 180 होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल है ना, तो ये एक ट्रांसवर्सल है तो सेम साइड का सम 180 होगा। एंगल ए प्लस डी इक्वल्स टू 180, ए के बदले 75 प्लस डी इक्वल्स टू 180, तो डी का वैल्यू आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने से, जितना डी होगा उतना ही तो बी भी होगा क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल है। तो पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल पता होता है तो हम लोग बाकी तीनों एंगल निकाल सकते हैं, और समझ में ही आ रहा होगा कि सम्स कितना ईजी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 1:5। जब रेशियो का क्वेश्चन है तो लेट द कॉमन नंबर बी एक्स। एडजेसेंट एंगल मतलब पास पास वाला एंगल, कोई सा भी ले सकते हैं, इन दोनों को भी ले सकते हैं या इन दोनों को भी ले सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। तो सपोज इसको ले लिए एक्स, और 1:5 है ना, तो x और 5x आएगा, वो लिख दिए। अब ये देखना होगा कि AD और BC भी तो पैरेलल है, तो ये भी एक ट्रांसवर्सल है, तो सम ऑफ एंगल ऑन द सेम साइड इज 180 डिग्री। तो लिखेंगे सिंस सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड of transversal is 180 degree, therefore a plus b equals to 180. तो a के बदले x और b के बदले 5x, दोनों को ऐड करेंगे तो 6x equals to 180, 6 नीचे जाएगा तो x equals to 30 degree. तो question है find all the angles. तो जब x 30 है तो एंगल A कितना आएगा 30 डिग्री, और एंगल C भी उतना ही आएगा। एंगल B कितना आएगा, 5x है मतलब 5 × 30 150 डिग्री, और उतना ही एंगल D भी आएगा, अपोजिट के कारण इक्वल है। तो दस ऑल द एंगल्स आर 30, 150, 30, 150 डिग्री। फिफ्थ क्वेश्चन का हम सिर्फ हिंट देंगे, पूरा क्वेश्चन नहीं करेंगे। एक पैरेललोग्राम का एक्सटीरियर एंगल दे दिया गया, सपोज ये एक्सटीरियर एंगल है 110, अब बचा हुआ सारा एंगल निकालना है। तो लीनियर पेयर के कारण सबसे पहले एंगल ए निकालेंगे, जब एक एंगल मिल जाएगा तो बाकी का सारा एंगल कैसे ढूंढते हैं वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं।
so I'll not help you out anymore. Complete question 5 on your own. इसके बाद है question 6. Two adjacent sides of a parallelogram are in the ratio 3:8. एक्चुअली ये वाला भी हम नहीं करके देंगे. दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन, दिस इज द सिक्स्थ. एक पैरालेलोग्राम का साइड्स का रेशियो है 3:8. तो कॉमन नंबर x लेंगे, फिर साइड्स आएगा 3x और 8x. और पेरीमीटर दे दिया 110. तो ये 3x है तो ये साइड भी 3x होगा, ये 8x है तो ये भी 8x होगा. सारा साइड्स निकालना है तो x का वैल्यू निकालना होगा. तो पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सारे बाउंड्रीज को ऐड करना. तो हम लोग क्या लिखेंगे कि पेरीमीटर इक्वल्स टू 110 सेंटीमीटर, विच इम्प्लाइज 3x प्लस 8x प्लस 3x प्लस 8x इक्वल्स टू 110. यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, फिर दोनों साइड निकालेंगे, एक बार 3 मल्टीप्लाई करके और एक बार 8 मल्टीप्लाई करके. नाउ कमिंग टू द सेवेंथ क्वेश्चन. वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 3/4 इट्स एडजेसेंट साइड. ये भी सेम में ही होगा. तो लेट वन साइड बी x, तो अदर साइड क्या होगा, 3/4x. x x 3x/4 और 3x/4. फिर से पेरीमीटर दे दिया 70 है, तो चारों साइड को ऐड करेंगे इक्वल्स टू 70. लीनियर इक्वेशन के जैसे x का आंसर निकालेंगे और यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो साइड्स आ जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. बोला ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसका डायगनल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है. तो यहाँ पर 90 डिग्री है, डायगनल का लेंथ है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर. अब साइड्स निकालना है. तो सबसे पहले क्या लिखते हैं कि लेट ABCD बी अ पैरालेलोग्राम. इन अ पैरालेलोग्राम डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगनल्स सॉरी. तो इसका मतलब ये पूरा 6 है तो ये 3 और 3 होगा. तो देयरफॉर OA इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू 6/2 3 सेंटीमीटर, और ये पूरा 8 है तो 4 और 4 होगा, और OD इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर. तो हम लोग अगर ध्यान से देखें तो ये एक एक राइट ट्रायंगल हो जा रहा है. यहाँ 90 डिग्री, ये 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर. तो हम लोग हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं ना. तो लिख रहे हैं इन ट्रायंगल DOC, इन राइट ट्रायंगल DOC बाय पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेन्यूस क्या है, 90 डिग्री के अपोजिट वाला, मतलब DC. तो DC स्क्वायर इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर. OD के बदले 4 का स्क्वायर और इसके बदले 3 का स्क्वायर, मतलब 16 प्लस 9 25. तो DC स्क्वायर इक्वल्स टू 25. तो DC कितना आया, 5 सेंटीमीटर. तो इसी तरह से सारे ट्राइंगल्स के लिए डायमेंशन तो सेम है, 4 3 4 3 4 3, तो मतलब सभी 5 आएगा. तो सिमिलरली AB BC और CD और AD चारों ही इक्वल है. तो सिमिलरली AB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, BC भी 5 सेंटीमीटर और DA भी 5 सेंटीमीटर. देयरफॉर ऑल साइड्स आर 5 सेंटीमीटर इन लेंथ.
तो ये एक्चुअली एक रोम्बस बन गया। तो ये भी देखो ट्विस्ट है, एमसीक्यू में आएगा कि जब एक पैरेललोग्राम का डायगोनल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है, तब वो पैरेललोग्राम एक रोम्बस बन जाता है। इस तरह का क्वेश्चंस एमसीक्यू में बहुत बार आएगा, वो प्रैक्टिस के साथ सीख जाएंगे। सो कंप्लीट टिल क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ वर्कशीट 2 विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो।